आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। भाजपा सरकार की ओर से नगरपालिका रादौर में दो पार्षदों को मनोनीत करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। मामले को लेकर शनिवार को भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पार्टी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक श्याम सिंह राणा ने नगरपालिका रादौर में दो पार्षद मनोनीत करवाने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से कोई विचार विमर्श नहीं किया, जबकि स्थानीय विधायक श्याम सिंह राणा द्वारा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया था कि नगरपालिका में मनोनीत होने वाले दो पार्षदों को कार्यकर्ताओं की सहमति से बनाया जाएगा, लेकिन विधायक ने कार्यकर्ताओं की कोई सहमति नहीं ली। अभी जो कल राणा जी ने जो मनोनीत किए हैं दो सदस्य अपने एमसी के, उनके बारे में यहाँ सारे कार्यकर्ताओं में रोष है। अभी कार्यकर्ताओं में रोष है कि उनसे पूछा नहीं गया किसी से, तो अब देखते हैं आगे रणनीति कैसे बनाते हैं। बीएलए टू अपने मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी होगा फैसला फिर देखते हैं। हमारे से जी 15-20 महीने पहले कम से कम वादा किया गया था जी राणा जी ने, अभी बीएलए टू से पूछ के ही आगे दो मनोनीत सदस्य बनाए जाएंगे, और किसी से पूछा नहीं गया। सबकी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है जी। अब सारे रोष है, सब कार्यकर्ताओं में रोष है इस बारे में। कोई कार्यकर्ता नहीं है जी, वो दोनों में से कैसे बनाए हैं ये तो कुछ नहीं पता। अभी जैसे जो पता लगेगा वो बताएंगे। वहीं भाजपा मंडल प्रधान विनोद सिंगला ने भी बातचीत में बताया कि उनसे भी पार्टी की ओर से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इस बारे वह पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को लिखित में शिकायत भेजकर मामले से अवगत करवाएंगे। यहाँ पर 13 वार्ड है, 13 ही पार्टी के वार्ड प्रधान है, 13 में से किसी की भी इस बारे में राय नहीं ली गई। और जो 2 MC नियुक्त किए हैं, मेरा तो ये मानना है कि एक तो है ही नहीं हमारी पार्टी का, कांग्रेस का है, एक के फादर हमारी पार्टी के पुराने वर्कर हैं, लेकिन जो खुद जिसको मनोनीत किया गया है उसने मेरे को जिला परिषद के चुनाव में संटीखेड़ की जो खड़े थे इस चुनाव में, उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था भी मैं इनालो के बंदे को वोट दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं दूंगा। ये तो विधायक ही बता सकते हैं उनकी क्या नहीं, कोई मजबूरी होगी विधायक की, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इस बारे में कि चर्चा हुई थी हमारी पहले काफ़ी दिन पहले, बैठ के भी किसी को या तो जातीय समीकरण देखा जाए जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोट का कोई प्लस में जाए, या जिन लोगों को इसमें स्थान नहीं मिला जैसे कश्यप समाज है, हरिजन है, वाल्मीकि है, सिख है, पंडित है, तो जिन लोगों का कोई भी किसी भी वार्ड से कोई MC नहीं बना, वहाँ से ये मानना था कि भी उसको इसमें नियुक्त किया जाए ताकि एक जातीय समीकरण के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी की वोट को बढ़ाया जा सके। हाँ, ये मेरा मानना है कि विधायक जो है, सभी पार्टी जितने हमारे पार्टी के दौर का एक संगठन है, उन सब की एक अनदेखी की गई है। मेरा मानना है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजूँगा और अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजूँगा और अपना जिले का जो अध्यक्ष है उसको भेजूंगा। अब देखना होगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक के बीच यह रोष क्या रूप लेता है। हरियाणा टुडे के लिए रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।